बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हम इसमें एमसीक्यूज़ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमें अपने ज़िंदगी के अहम सवाल भी तैयार करने चाहिए। जब हम ज़िंदगी के बाद पहली मंजिल में कदम रखेंगे तो हमारे से पूछा जाएगा, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा नबी कौन है, और तीसरा सवाल जो होगा वो ये होगा कि तुम्हारा दीन क्या है, तुमने ज़िंदगी में कौन सा रास्ता इख्तियार किया। तो प्यारे बच्चों, हम अगर मुसलमान हैं तो आपको पता है कि हम रोज़ इस बात की तकरार करते हैं हर रकत में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। लेकिन अगर हम हम इस पे चलने की कोशिश ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि अच्छे काम कौन से हैं, सच बोलना, किसी को तकलीफ़ ना देना और झूठ ना बोलना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, तो ये सारे काम हमें कैसे पता चलेंगे अगर हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार की बातें सीखेंगे, वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ही हम इन सवालों के जवाब देने के काबिल हो सकेंगे। तो आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने कम अज़ कम 3 आयात कुरान की तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़नी है। तो हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीज फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इंक्रीज फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डू नॉट चेंज फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, डिक्रीज फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लेकिन हम पीछे पढ़ के आए हैं कि द साइज ऑफ द एटम्स इंक्रीजिज ग्रेजुअली फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो इसके लिए हम इसको इंक्रीज फ्राम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वाले ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू एन एटम इज कॉल्ड, जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में ऐड किया जाता है तो उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी जो है वो आयनिक कंपाउंड के लिए होती है, इज डिफाइंड एज द एनर्जी required to separate a mole of an ionic solid into gaseous form, यानी वो एनर्जी जो एक आयनिक कंपाउंड के सॉलिड को गैशियस आयन में तब्दील करने के लिए चाहिए होती है। इसी तरह आप हमने पहले पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जब एक इलेक्ट्रॉन आउट होता है तो जो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटम जो है वो पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है। फिर हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एटम अपनी तरफ खींचता है, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बरकी मनफियत कहते हैं। और फिर हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्राम द एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें नेगेटिव आयन बनता है और इस आयन को A9 कहते हैं। तो उस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इसमें एडिड टू एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू एन एटम एंड द एनर्जी गिवन आउट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड कंप्लीशन ऑफ सबशेल। तो आप इसमें से कौन सी ऑप्शन को टिक करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेंडलीव का जो टेबल है, इट वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स,
क्योंकि उसने एटॉमिक मॉसिस पे किया था और आपको पता है कि आइसोटोप दे है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसका करेक्ट आंसर है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। और फिर इसमें से जो कमी रह गई थी वो नेक्स्ट मॉडर्न में पूरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पोस्टुलेट्स, जो मेंडलीव ने कहा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर, इन चारों में से किस चीज़ पे किया गया। तो ये हमने देखा था कि मूसले कंडक्टेड दैट इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन मेंडलीव्स टेबल इफ एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इट वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो हम इस एटॉमिक नंबर जो है उस ऑप्शन को हम टिक मार्क करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है, मास नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स, शॉर्ट पीरियड्स, वेरी लॉन्ग पीरियड्स और लॉन्ग पीरियड्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स जिसमें आती हैं उनको हम वेरी लॉन्ग कहते हैं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ जो हैं वो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हम किस ऑप्शन को टिक मार्क करेंगे, शाबाश, हम लॉन्ग पीरियड्स वाली ऑप्शंस को टिक मार्क करेंगे, क्योंकि वेरी लॉन्ग पीरियड्स वो हैं 6 और 7 जिनमें ट्रांजिशन मेटल्स आती हैं, और शॉर्ट पीरियड जो है वो 1 पीरियड इज वेरी शॉर्ट, ओनली कंटेन 2 एलिमेंट्स। तो उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।